हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। आज हमारा सेम टॉपिक है चैप्टर 9। आज हम चैप्टर 9 की पार्ट 2 में क्वेश्चन आंसर को रीड करते हैं। चैप्टर 9 का नेम है, हमें पता है जैसे कि टिकट एल्बम, और इसके लेखक का नाम है सुंदरा रामस्वामी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभ्यास के क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों। अभी हम इतना ही करते हैं। जो नागराजन होता है वो अपनी एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखता है ए एम नागराजन, और उसने ऐसा क्यों लिखा। उसने ऐसा इसलिए लिखा ताकि कोई उसे चुराने की कोशिश ना करे, और उसकी एल्बम हमेशा ही नागराजन के पास रहे। उसके बाद बोला है कि इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ। क्या असर होता है कि जो उसकी कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियां होते हैं वो इस एल्बम की कॉपी कर लेते हैं, वो उसकी एल्बम की नकल करके उसे अपनी एल्बम में उतार लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई। देखिए, जब राजप्पा का पहले एल्बम उसका हिट था, उसके स्कूल में सबसे बड़ा एल्बम उसका था, लेकिन जब नागराजन का एल्बम आ गया तो राजप्पा की क्या स्थिति होती है मन की, कि जो राजप्पा होता है वो मन ही मन कुड़ने चिड़ने लगता है और सोचता है कि अपने कुछ फालतू टिकटों के बदले मैं नागराजन से कुछ अच्छे टिकटें खरीद लूंगा और मेरा जो एल्बम है वो फिर से अच्छा हो जाएगा। तो वो इसी उद्देश्य से कि मैं नागराजन के घर जाकर उससे कुछ अच्छी टिकटें ले लूँगा, तो वो उसके घर जाता है। लेकिन उसके घर जाकर जब वहाँ पर उसे नागराजन नहीं मिलता और उसके कमरे में कोई नहीं मिलता, तो वो मौके का फ़ायदा उठाकर नागराजन के एल्बम को ही चोरी करके ले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। देखिए, जब कोई इंसान चोरी करता है तो उसे अजीब सा एहसास होता है, उसके दिल की धड़कन है वो तेज हो जाती है, उसको लगता है कि वो गलत काम कर रहा है, लेकिन वो अपने दिमाग में सोच लेता है कि मुझे ये काम करना ही है। तो ऐसी ही स्थिति राजप्पा की थी, जो उसके दिल की धड़कन थी वो बहुत तेज हो गई थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि एल्बम को चोरी करना, और वो उसे वहाँ से चुरा कर अपनी कमीज के अंदर रख के वहाँ से चला आया। देखिए स्टूडेंट, जब कभी हम कोई गलत काम करते हैं तो जो हमारा दिल है वो हमेशा ये कहता है कि ये काम गलत है, लेकिन हम अपने दिमाग में पहले ही ये बिठा कर रखते हैं कि नहीं, मुझे ये काम करना ही है, तो चाहे वो काम गलत ही है हम उस काम को कर देते हैं। नेक्स्ट है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया। देखिए, जब राजप्पा को जो उसका मित्र आता है अपू, उसको बता कर जाता है कि नागराजन की एल्बम खो गई है और उसके पिताजी का कनेक्शन है जो वो पुलिस वालों से है, तो जो राजप्पा होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो जब वो अपने घर में डरा हुआ होता है तो उस टाइम पर उसके जो घर की सांकल होती है वो खटकती है, और जो राजप्पा है वो सोचने लगता है कि अब पुलिस आ गई है, तो वो अपनी हड़बड़ी में उस एल्बम को उसे छुपाने की कोई जगह नहीं मिलती है, तो वो उस एल्बम को अंगीठी में डाल देता है ताकि अगर पुलिस तलाशी ले तो कुछ भी ना मिल पाए। नेक्स्ट है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है। देखिए, मैंने आपको बताया था जब हम लेसन रीड कर रहे थे कि जिस प्रकार मधुमक्खी होती है वो घूम घूम कर दूर दूर जाकर फूलों से मकरंद मीन रस, उनका रस चूसती है, और फिर कठिन मेहनत करके अपने लिए एक छत्ता बनाकर उसमें शहद बनाती है, तो उसी तरीके से राजप्पा भी दूर दूर जाकर उसने बड़ी मुश्किल से एक एक टिकट को इकट्ठा किया था, तो इसलिए उसकी तुलना किससे की गई है, मधुमक्खी से। उसके बाद आते हैं MCQ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टिकट एल्बम कहानी के लेखक कौन है। सुंदरा रामस्वामी। टिकट एल्बम शीर्षक कहानी का मुख्य विषय क्या है। बाल
मनोविज्ञान, कि इसके अंदर बालपन की जो जो उनका मन होता है उनके मनोविज्ञान के बारे में बताया गया है। नागराजन के मामा कहाँ रहते थे? सिंगापुर। नागराजन के मामा ने उसके लिए क्या भेजा है? एल्बम। नागराजन के घमंडी होने का मुख्य कारण क्या था? कि उसकी जो एल्बम। नागराजन की कक्षा की लड़कियों में अगुआ कौन बनी थी? पार्वती। स्कूल भर में किसका एल्बम बड़ा था? राजप्पा का। तुम लोग यह क्यों करते हो नकलची कहीं के, ये शब्द किसने कहे थे? राजप्पा ने। और अगर पूछा जाए किससे कहे थे? कृष्णन से। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है, राजप्पा मन ही मन क्यों कुड़ता था? नागराजन के सुंदर एल्बम के कारण। राजप्पा ने नागराजन की एल्बम क्यों चुराई थी? उसे नीचा दिखाने के लिए। राजप्पा ने नागराजन का एल्बम कहाँ छिपा दिया था? अलमारी के पीछे। नागराजन के पापा किसके कार्यालय में काम करते थे? DSP। राजप्पा ने नागराजन की एल्बम का क्या किया? अंगीठी में जला डाला। अगर आपसे पूछा जाए किससे बचने के लिए? पुलिस से। राजप्पा अपनी एल्बम को सीने से लगाकर फूट फूट कर क्यों रोने लगा था? क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर 9 है वो कंप्लीट होता है।